हुए हैं, 5 एटीएम कार्ड्स बरामद हुए हैं, 9 लाख नगद भी बरामद हुआ है। आरोपियों ने पूरे देश में 70 करोड़ की ठगी को अंजाम दिया है। गिरोह का सरगना बताया जा रहा है कि चीन से ऑपरेट कर रहा है। पलवल में युवक के खाते से 88 लाख रुपए गायब किए गए। डिजिटल अरेस्ट का भय दिखाकर इस धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया। पलवल पुलिस के डीएसपी विशाल कुमार ने यह जानकारी दी और कहा कि 23 अक्टूबर को न्यू कॉलोनी पलवल के रहने वाले अनिल ने शिकायत दर्ज कराई थी। सीबीआई अधिकारी बनकर उनको मनी लॉन्ड्रिंग भय दिखाकर उसे कई घंटों तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया और जांच के बहाने 88 लाख रुपए उसके खाते से ट्रांसफर किए गए। इस गिरोह के तार पूरे देश में फैले हुए हैं। बताया जा रहा है कि चीन से इस गिरोह का सरगना ऑपरेट कर रहा है और अब पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां 11 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया है। डिजिटल अरेस्ट का भय दिखाकर इससे पहले इन्होंने एक युवक के खाते से 88 लाख रुपए उड़ा लिए हैं और इन 11 साइबर ठगों के पास से 4 लग्जरी गाड़ियां, 400 सिम कार्ड्स, 31 मोबाइल बरामद किए गए हैं। साथ ही साथ 5 एटीएम कार्ड्स भी मिले हैं और 9 लाख का कैश भी इनके पास से बरामद किया गया है। तो एक बड़ी साजिश को नाकाम यहां पर पुलिस ने किया, एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। हालांकि माना यह जा रहा है कि इन 11 साइबर ठगों से पूछताछ में कुछ और खुलासे भी हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि पूरे देश भर में इन्होंने 70 करोड़ की ठगी को अंजाम दिया है। पूरे देश भर में इनके तार फैले हुए हैं। भेजा जा चुका है और जो बाकी जो लोग हैं वो अब ये साइबर थाना पलवल में 23/10/2024 को एक FIR दर्ज हुई थी, 87 नंबर, जिसमें जो परिवादी है अनिल कुमार, इन्होंने FIR दर्ज करवाई थी कि इनको डिजिटल अरेस्ट करके अपने आप को CBI अधिकारी बता के और 72 घंटे तक इनको डिजिटल अरेस्ट करके इनसे 88 लाख रुपए का फ्रॉड किया गया था। जो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इसमें FIR दर्ज की गई है और FIR दर्ज करने के बाद इसमें 11 लोगों को अब तक अरेस्ट किया जा चुका है और उसमें से 4 लोगों को जुडिशल कस्टडी में भेजा जा चुका है और जो बाकी जो लोग हैं वो अभी पुलिस रिमांड पे चल रहे हैं। इसमें इन्वेस्टिगेशन में जो मेन फैक्ट जो सामने आया है इसमें यही आया है, ये आया है कि कंबोडिया में एक चाइनीज कंपनी है, वो इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में उन्होंने अपने हैंडलर कम जो एजेंट है वो इसमें पूरे इंडिया में उन्होंने फैला रखे हैं। और उनका बेसिक वर्क क्या होता है कि वो आपके CBI अधिकारी बन के गेमिंग ऐप में फ्रॉड करके या शेयर ट्रेडिंग का हवाला देके इस तरह का एक्टिविटी करके जितने भी जो उद्योगपति हैं या जिनके पास पैसा है उनको ये डिजिटल अरेस्ट करते हैं या उनके साथ फिर ब्लैकमेलिंग करके उनसे जो पैसा है उनसे पैसा लेके खाते से लगभग 88 लाख रुपए की धोखाधड़ी और चोरी का जब मामला सामने आया, पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद इस पूरे मामले पर जांच शुरू की। पलवल पुलिस जैसे जैसे इस मामले में आगे बढ़ी वैसे इसके तार इस गिरोह के साथ जुड़ते नजर आए, जो पूरे देश में बताया जा रहा है कि फैले हुए हैं। देश भर में इस तरह इस गिरोह के जो ठग हैं वो इस तरह की धोखाधड़ी को अंजाम दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि चीन में इस गिरोह का सरगना बैठा और वहीं से ऑपरेट करता है और एक बड़ी सफलता के तौर पर इसे देखा जा रहा है, जहां पूरे देश भर में ये साइबर ठग लगभग 70 करोड़ रुपए की ठगी को अंजाम दे चुके हैं। जांच के दौरान पलवल पुलिस ने अलग अलग जगह से 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच के दौरान पता चला है कि सब लोग एक चाइनीज गिरोह के लिए काम करते हैं और इस ग्रह के मास्टरमाइंड चीन में बैठकर अपने हैंडलरों के जरिए इस तरह की ठगी को अंजाम दे रहे थे। इतना ही नहीं, जांच में यह भी सामने आया है कि चाइनीज नागरिक भारत से भारतीय नागरिकों को नौकरी लगवाने के बहाने ठगी के लिए कंबोडिया भेजते थे, जहां पर उनको ठगी करने की ट्रेनिंग दी जाती थी। जांच में सामने आया है कि देश भर के अलग अलग राज्यों में NCR पोर्टल पर इस तरह की 100 शिकायतें और FIR दर्ज है। फिलहाल किए गए 11 आरोपियों में से
चार को जेल भेज दिया गया है। अनिल राठी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, एक बहुत बड़े गिरोह का यहाँ पर भांडाफोड़ हुआ है, क्या ये माना जाए कि पलवल से बाहर निकलकर पूरे हरियाणा और पूरे देश भर में भी कुछ और गिरफ्तारियां इस तरह से हो सकती हैं इसी एक गिरोह से जुड़ी हुई? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि एक बहुत बड़ा गिरोह जो है वो पलवल पुलिस के हत्थे चढ़ा है और कह सकते हैं कि कई तरह की ठगियां जो है वो ये लोगों के साथ कर होता, चाहे सीबीआई अधिकारी बनने की बात हो, चाहे किसी को नौकरी का झांसा देने की बात हो, या फिर जो गृह अरेस्ट कह सकते हैं कि होम अरेस्ट करते थे जो है वो लोगों को शिकार बनाते थे। तो कई तरह के इन्होंने अलग अलग प्रोपगंडे जो है वो बना करके ऑनलाइन ठगी के माध्यम से जो है वो लगभग सैकड़ों लोगों को अपना जो है वो शिकार बनाया है। और इसी कड़ी में पलवल पुलिस के हाथ जो है वो पुख्ता सबूत मिले थे, जिसमें से कि 11 इन लोगों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे बड़े पैमाने पर लग्जरी गाड़ियां हैं और कई सिम कार्ड बरामद हैं, कई लाख की नकदी है, लगभग जो जिस तरीके से बताए जा रहे हैं कई करोड़ रुपए की ठगी जो है वो दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाके से कर सके। सोच शिकायत और एफआईआर जो है वो इनके खिलाफ इस तरीके की अलग अलग इलाके में दिल्ली एनसीआर के अंदर दर्ज है। तो कह सकते हैं कि ये तमाम एक इनका नेक्सस जो है वो लंबे समय से इसी तरीके से चल रहा था और अब फिलहाल पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी कह सकते हैं कि ऑनलाइन ठगी के जो ये लोगों को शिकार बनाते थे इन लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें से अभी 4 लोगों को जो है वो पुलिस ने जेल भेज दिया। बिल्कुल अनिल, बताया जा रहा है कि देश के अलग अलग कोनों से इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इस गिरोह के तार ना ही सिर्फ चाइना बल्कि कंबोडिया से भी जुड़े हुए बताए जा रहे हैं कि कुछ भारतीय नागरिकों को ये नौकरी का झांसा देकर कंबोडिया भेजा करते थे। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ बहुत बड़ा नेक्सस जो है वो ये निकल करके सामने आएगा और इस नेक्सस से तार जो है वो कंबोडिया ही नहीं, चाइना ही नहीं, कई और कंट्रियों के साथ भी जो है वो जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से फिलहाल अभी पुलिस ने शुरुआती जांच शुरू करी है और इनकी जो है वो अब रिमांड पर लिया जाएगा, रिमांड पर गहनता से इनके साथ पूछताछ की जाएगी, तो कई तरह के राज जो है वो अभी खुलने बाकी हैं और कई बड़े बड़े जो कह सकते हैं कि जो इस ऑनलाइन ठगी के सरगना है वो इनके जो है वो कहीं ना कहीं इनके दिशाने इनके साथ सम्मिलित पाए जाएंगे और सम्मिलित के साथ साथ जो है वो जल्द ही बाकी बचे जितने भी और आरोपी हैं उन सभी को भी जो है वो गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार आजकल ऑनलाइन ठगी के मामले एक के बाद एक लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तमाम लोगों की बात करें चाहे मध्यम परिवार के लोगों या फिर हाई जेंट्री की बात हो, तो तमाम लोग जो है वो कहीं ना कहीं इन लोगों के झांसे में आ जाते हैं और अपना जो मेहनत की कमाई है वो उनके हवाले कर देते हैं। साथ ही अनिल, डीएसपी विशाल कुमार ने भी कई तरह की जानकारियां साझा की हैं, क्या ये पता चल पाया है कि किस तरह से जांच इस पूरे मामले पर, कार्रवाई इस पूरे मामले पर आगे बढ़ेगी, क्योंकि ये नेक्सस जिस तरह से आप भी बता रहे हैं बहुत बड़ा है, सिर्फ पलवल तक या फरीदाबाद या फिर हरियाणा तक सीमित नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अभी शुरुआती तार इस पूरे मामले को लेकर के खुलने शुरू हुए हैं, इनके तमाम जो टेलीफोन बरामद हुए हैं, तमाम जो इंस्ट्रूमेंट इनके पास से बरामद हुए हैं उन सभी की जो है वो बकायदा अब हाइजेनिक जांच जो है वो पुलिस के द्वारा की जाएगी, फॉरेंसिक के माध्यम से जो है वो जांच की जाएगी, कहीं और कोई कहां से ये लोग डाटा ये लोग लेते थे, किस तरीके से इनके पास लोगों के कॉन्टैक्ट्स आते थे, तमाम इन पहलुओं पर जो है पुलिस फिलहाल जांच करेगी, किसके खाते में ये तमाम पैसे जो है मंगाते थे और उन खाते से आगे कहां पे ट्रांसफर होता था, तो तमाम ये पूरा नेक्सस जो है वो फिलहाल पुलिस के एक आने वाले समय में जो है इस पूरे मामले को लेकर के जांच करेगी और जल्द ही कह सकता हूं कि इस पूरे मामले पर जो बड़ा खुलासा कह सकते हैं कि होने वाला है। और जिस तरीके से अब ये बड़ी कामयाबी पलवल पुलिस के हाथ लगी है, ये कहीं ना कहीं इससे कुछ राहत जरूर कुछ दिन महसूस कर पाएंगे लोग, लेकिन जिस तरीके से लगातार पिछले लंबे समय से लोग और शिकार बना रहे थे, हालांकि ये तो वो एफआईआर है जो कि दर्ज की गई है, लेकिन इससे कई और भी मामले होते हैं जिनके जो है वो पुलिस तक शिकायत ही नहीं पहुंच पाती, लोग सोचते हैं कि चलो जो गया गया, कहीं ना कहीं इस तरीके की जो धारणा के साथ लोग जो है वो संतुष्टि कर लेते हैं, तो तमाम उन पहलुओं पर फिलहाल अभी पुलिस जांच करेगी और जल्द ही बाकी जो इनके साथ और कौन कौन संलिप्त है उन सबको भी जो है वो गिरफ्तार करेगी। ठीक है अनिल, आप नजर बना के रखें, बहुत जल्द कुछ और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है, आपसे जुड़ेंगे जानेंगे, फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।